अभी तक आपने नायक फिल्म में अनिल कपूर को एक दल का मुख्यमंत्री बनते देखा था, लेकिन अब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हरिद्वार के सृष्टि गोस्वामी को एक दल का मुख्यमंत्री बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। इस खुशी और अनोखी पहल की सूचना पर सृष्टि के गांव दौलतपुर पहुंची इंडिया 24 टीवी न्यूज की टीम को देखकर सृष्टि के परिजनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। खुशी से झूमते ग्रामीणों का सृष्टि के घर तांता लग गया। आइए अब हम आपको ले चलते हैं उत्तराखंड में बनने वाली एक दिन की मुख्यमंत्री के पास। दौलतपुर में जहाँ की एक लड़की सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की एक दिन की मुख्यमंत्री बनने जा रही है, उस ग्राम में उसके घर तक हम पहुँचते हैं और उनके घर तक घर के उनके माता पिता से मिलकर के ये जानकारी करते हैं कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, इस क्षेत्र को कैसा महसूस हो रहा है और हम इस क्षेत्र का जो नाम रोशन किया है इस लड़की ने, उसके बारे में सभी जानकारी उसके माता पिता से उठा करते हैं। मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। ये जो आपकी सृष्टि गोस्वामी गुड़िया है, आपकी बिटिया है? सर। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम सुधा गोस्वामी है। अच्छा, सुधा गोस्वामी जी आपका नाम है। अच्छा, कैसा महसूस कर रही है आप बिटिया को जो ना कल का मुख्यमंत्री, जो हमारे उत्तराखंड सरकार का जो मुख्यमंत्री कल एक दिन का सरकार का नियुक्त किया गया, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत गर्व का पल है हमारे लिए, सारे क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ये आप जैसे माता है इनकी, आपको तो अलग से ही फील होगी कि हमारी बिटिया एक हमारे इसका उत्तराखंड का नाम रोशन किया, इस क्षेत्र का नाम रोशन किया, आपको तो बड़ा अच्छा महसूस, क्षेत्रवासियों को सबको ही अच्छा महसूस हो रहा है। जश्न का माहौल है यहाँ पे, बस हम आपको शब्दहीन है, हम हमारे पास शब्द नहीं है। नहीं, आप माता है उनकी, हम बता नहीं सकते कि हमें कैसा फील हो रहा है। ऑब्वियसली ये बहुत गर्व का पल है और सभी को होना चाहिए, सभी को हो भी रहा है, सभी चाहेंगे कि मेरी किसी बेटी बचाओ। तो आपने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा लगा हुआ है सरकार ने, अच्छा लग रहा है, मतलब साकार होने जा रहा है, साकार हो रहा है, सरकार इसकी तरफ काम भी कर रही है। देखो अगर वो मतलब एक देखो आप ये साकार करके भी दिखा रही है, वो बेटी को इतना बढ़ावा दे रही है कि वो एक दिन के लिए सीएम बना रहे हैं, इससे अच्छा उदाहरण और क्या हो सकता है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी का जो उनका सहे दिल से धन्यवाद और आभार जो उन्होंने हमारी बिटिया को इस लायक समझा और वो औरतों को और महिलाओं को इतना बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है मैम, हमारा 24 न्यूज चैनल की हमारी गुड़िया सृष्टि गोस्वामी एक दिन का मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार की बनने जा रही है, आपको इसमें कैसा गौरवान्वित महसूस हो रहा? महसूस हो कर रहे हैं हमारे सभी क्षेत्र के लोग भी, हमारे गांव के लोग भी, हमारे भाई सभी बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और सभी में बड़ी खुशी है कि उस लड़की को ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज की कल को 24 तारीख को जो है एक दिन का मुख्यमंत्री। ये तो इस एरिया का भी सौभाग्य है कि इस लड़की ने जो ना इस एरिया को क्षेत्र को जो है इसका नाम रोशन किया है। जी जी, पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है और बहुत ही अच्छा किया। हम ये आशा करते हैं कि आने वाले हमारे बच्चे, हमारी लड़कियाँ और भी लड़कियाँ इससे अच्छा कार्य करें और वो अच्छे अच्छे पदों पे जो है अपना मेहनत करके और हम उनका सहयोग करें, वो मेहनत से अपने उस मुकाम को पैदा करें जिससे जो उनका नाम रोशन हो, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन हो, हमारे सभी भाइयों का नाम रोशन हो। और हम महिलाओं से यही कहेंगे कि वो अपनी बिटियाओं को ऐसा साहस और योगदान दें जिससे जो बच्ची आगे चल के हमारा नाम रोशन करें। हाँ, आज तो ये लग रहा है कि जहाँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा सरकार का हमारा लगा हुआ है, ये शायद हमारा साकार होने जा रहा है। बिल्कुल साकार होने जा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। सच्चाई की बात है कि जैसे बिटिया ने वो मिला है सौभाग्य और उसका एक दिन का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है, उससे ऐसा ही लग रहा है कि वाकई में ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो सर थोड़ी जानकारी के हम घर संबंधी लेंगे कि मतलब इनके फादर क्या काम करते हैं? हाँ सर, इनके फादर जो हैं MSc B.Ed. है जी और इनकी माताजी MA है, वो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता है। शिक्षित परिवार है। जी जी, उनके एक लड़का एक लड़की है, लड़की सृष्टि पूरी गोस्वामी है, मैं उनका ताऊ लगता हूँ, मेरे बड़े छोटे भाई की लड़की है और मुझे बड़ा मेरे पूरे क्षेत्र को मेरे पूरे उत्तराखंड को ही बहुत दूर दूर से फ़ोन आ रहे हैं, बड़ा बड़ा धन्यवाद और शुभकामनाएं वो दे रहे हैं, उनको भी मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करना चाहता हूँ। सबका धन्यवाद बना रहे हमारे बच्चे के ऊपर और सब बच्चों के ऊपर बना रहे जी। धन्यवाद हमारा 24 न्यूज की तरफ से भी इस गुड़िया को और आप पूरे क्षेत्रवासियों को बार बार धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद।